और कर्तव्य भावना से ऊंचा होता है। निसंदेह ये कोई अपराध नहीं है। परंतु नहीं, यदि भविष्य में कोई ऐसी अमंगल घटना घटित हो गई तो क्या होगा? नारायण नारायण। मुझे देखकर इस प्रकार आंखें चुराकर कहां भाग रहे हो? और देवी रति कहां अदृश्य हो गई? राम देवर्षि। नारायण नारायण। मैं तो तुम्हारा भ्राता हूं तांबे। मुझे देवर्षि का सम्मान देकर लज्जित न करो। सम्मान तो आपको देना ही चाहिए। अच्छा, मुझे प्रस्थान के लिए आज्ञा दो। और भाग कर हो भ्राता, मेरी पूरी बात तो सुन लो। आज्ञा कीजिए। अपने पुष्प बाणों से विचलित करके तुमने संध्या का तो कल्याण कर ही दिया ना। कल्याण? वो कैसे? देवर्षि, ऐसा प्रतीत होता है कि संध्या पे किए इस प्रयोग का मुझे प्रायश्चित करना होगा। नहीं कांते, तुम्हारे इस पुष्प बाण के प्रयोग से संध्या का यज्ञ में पुनर्जन्म हुआ है। इस प्रकार संसार को दो संध्या प्राप्त हुई, एक प्रातः संध्या और एक सायं संध्या। आपके कहने का तात्पर्य ये कि संध्या की रचना में मेरा भी योगदान है? निश्चित ही। केवल इतना ही नहीं, संध्या महासती अरुंधति के रूप में महर्षि वशिष्ठ की पत्नी बन गई है। राता, अब अपने पुष्प बाणों का प्रयोग किस पर करने की सोच रहे हो? देवर्षि, मुझे ये चिंता सताई जा रही थी कि कहीं मेरे पुष्प बाणों का प्रयोग किसी का अनर्थ ना हो जाए। अर्थात? अर्थात ये कि अब मैं अपने पुष्प बाणों का प्रयोग सोच समझ कर करूंगा, जिससे भविष्य में मैं किसी विपदा में ना उलझूं। राता, दर्द की चिंता न करो। वर्तमान तो उज्जवल है ही, और भविष्य चराचरपति शिव शंकर के अधीन है, और यही सनातन सत्य है। मेरी बात मानो, परमपिता ब्रह्मा ने जो तुम पर दायित्व सौंपा है उसे अपना कर्तव्य मान पुष्प बाणों का उचित समय पर उपयोग करते चलो। यही तुम्हारा धर्म है और कर्म भी। नारायण नारायण। नमः शिवाय। आवरण, तुम्हारा स्वागत है। देवर्षि, इस बार क्या समस्या लेकर आए हैं? समस्या नहीं, मन में एक प्रश्न लेकर आपके दर्शन के लिए आया हूं मैं परमपिता। तुम तो स्वयं साक्षात प्रश्न हो, तुम्हारे आने का प्रश्न सम्मुख है। क्या पूछने की इच्छा? मैं अभी अभी भ्राता कामदेव से मिलकर आ रहा हूं। संध्या प्रकरण के पश्चात वे अत्यंत विचलित रहने लगे हैं। अब वे अपने पुष्प बाणों का उपयोग करने से भयभीत होते हैं। ये उचित ही है। उस समय तो कामदेव किसी तरह बचकर भाग गया, किंतु अब उसे सोच समझ कर अपने पुष्प बाणों का उपयोग करना होगा। कामदेव को विवेक से अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। आप सत्य ही कह रही है देवी सरस्वती, परंतु कामदेव ने अपने पुष्प बाणों का जो प्रयोग संध्या पर किया था वो तो शुभ ही रहा। देवी संध्या अब सती अरुंधति बन गई है और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम की शोभा बढ़ा रही है। हाँ, सो तो है। भगवान शिव के प्रत्येक कार्य का उद्देश्य उत्तम होता है, चाहे कुछ समय के लिए वो दुखदायी ही क्यों ना दिखाई दे। देवी, मेरे पहले प्रश्न का समाधान तो हो गया, परंतु दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न क्या है वो भी पूछ लो। आपकी पौत्री मेरी भतीजी दशपुत्री सती बेचारी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शिव आराधना कर रही है, उसका क्या होगा? शिव आराधना का परिणाम तो कल्याणकारी ही होता है। इस विषय में कभी भी शंका मन में बदलाव न। परंतु आप भ्राता दक्ष को समझाते क्यों नहीं कि सती की शिव भक्ति का विरोध करना छोड़ दे? ये असंभव है नारद, दक्ष अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ेंगे। अर्थात सती को अपने तप के बल पर ही पिता के विरोध का सामना करते हुए अपना अभिष्ट प्राप्त करना होगा। हाँ नारद,
जो हो रहा है शिव की इच्छा से हो रहा है। तुम इस विषय में चिंता करना और प्रश्न उठाना छोड़ दो। ओम नमः शिवाय। क्या मेरी आराधना में कोई त्रुटि लगी है या आप मेरी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं? यूं लगी आप मुझे शीघ्र ही दर्शन दीजिए। मेरी आपके दर्शन के लिए तरस रही हूँ। यहाँ तो किसी की परीक्षा हो रही है और किसी की परीक्षा और आराधना में बिगड़ डालना उचित नहीं ना रहा। चुपचाप यहाँ से निकल चलो। माता दक्ष का मैंने तो सुना पड़ा, कहाँ गए ये सब लोग? चलो नारद, आवाज बिरनी के कक्ष की ओर, कदाचित वहां भेंट हो जाए। नारायण नारायण। मुझे किस बात की चिंता है देवजी? बस सती के बारे में सोच रही थी। सती? पता नहीं उसकी तपस्या कब सफल होगी। नारायण नारायण। भावच, सती तो शक्ति का अवतार है। शिव जी को उनकी प्रार्थना स्वीकार करनी ही होगी। अब उनकी प्रार्थना स्वीकार होने में अधिक समय नहीं लगेगा। सच कह रहे हैं देवर जी। क्या आपको अपने देवर से असत्य की अपेक्षा है? मैं तो असत्य से भागता रहता हूँ और भक्ति और जन कल्याण के मार्ग पर चलता रहता हूँ। देखिए भाव, आप फिर सोच में डूब गए। क्या करूं, आपके ठाकुर और मेरे स्वामी का रूखा व्यवहार देखकर तो कभी कभी भय लगता है। उनके रूखे व्यवहार की आपने अच्छी कही। उनका तो जन्म भी परम पिता ब्रह्मा जी के पैर के अंगूठे से हुआ है। वो तो हर भली वस्तु को ठोकर मारने की सोचते रहते हैं। नारायण नारायण। और भगवान शिव जी का नाम लेते ही वो शिव 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 शिव। भगवान भोलेनाथ उनको सद्बुद्धि दे, इतना ही मैं कह सकता हूँ। महाराज की जय। लो, इनका नाम लिया वो पधार भी गए। अब मैं चलता हूँ। ठहरिए ना देवर जी, पहले आप ही ले समझाएंगे। शिव 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 शिव। क्या ये हठी जी समझाने से समझने वाले हैं? नारायण नारायण। अरे नारद जी आप। नारायण नारायण। प्रातः नारद कहिए ना भैया, आपके मुख से भ्राता शब्द सुनने के लिए ही तो मेरा आगमन यहाँ हुआ है। कहिए भ्राता नारद, कैसे हैं आप? तो चारों ओर भ्रमण करते रहते हैं। आपने हमारी शिव की धुन में कोई बेटी को भी कहीं देखा होगा। अब आप ही बताइए, क्या एक राजकुमारी को पागलपन शोभा देता है? आप उसे समझाते क्यों नहीं कि वो ये बचपना छोड़ दे, अब वो विवाह के योग्य होगी। नारायण नारायण। वो विवाह के लिए ही तो शिव आराधना कर रही है, क्या आप इतना भी नहीं समझते? उसकी आराधना सफल होगी, भगवान भोलेनाथ के साथ उसका विवाह होगा। इसमें आपको संदेह क्यों हो रहा है? नारायण नारायण। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण। आवाज आप क्यों व्याकुल हो रही हैं? होगा वही जो भगवान शिव शंकर को स्वीकार होगा। नारायण नारायण।
मेरी सती का क्या होगा, क्या होगा मेरी सती का, मेरी सती का क्या होगा? कामशा की जान साजिश करे तुम्हारा कार्य।